नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच परगना खबर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। झारखंड के खूंटी थाना क्षेत्र के सारिद केल गांव में एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी और अपराधी फरार हो गए। मृतक की पहचान नारायण सिंह मुंडा के रूप में हुई है। वो पेशे से किसान था। बताया जा रहा है कि चार अपराधियों ने खुद को मेहमान बताकर घर का दरवाजा खुलवाया, दो गोली मारी, उसके बाद धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी और फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर परिजन बाहर निकले, तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। घटना के बाद परिजन नारायण सिंह मुंडा को सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। स्थानीय पुलिस सदर अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मामले की जानकारी को लेकर जांच शुरू कर दी। वृद्ध किसान हत्याकांड की डीएसपी अमित कुमार ने पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक अनुसंधान में पता चला है कि कुछ लोग देर रात उनके घर पहुंचे थे और वृद्ध पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। डीएसपी ने बताया कि घटना देर रात की है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और खूंटी पुलिस उन्हें जांच में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि मामला आपसी विवाद का प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। दावा किया है कि जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इधर झारखंड के खूंटी जिला में अड़की थाना क्षेत्र सेरेंगडीही में रविवार की देर रात धारदार हथियार से वृद्ध भानु मुंडा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड को अंजाम दिलाने वाले मुख्य आरोपी ओझा राम मुंडा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार ओझा के कहने पर ही वृद्ध भानु मुंडा की बेरहमी से सिर काटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस आरोपी ओझा ने ही उकसाया था कि मृतक भानु मुंडा की पत्नी बृहस्पति देवी डायन है और उन्हें जादू टोना कर गांव की दो महिलाओं को मार दिया है। पूरी तरह से अंधविश्वास के कारण और एक गलतफहमी के कारण घटित हुई है। इसमें 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें मुख्य रूप से सुखराम मुंडा, गुरुआ मुंडा, राम मुंडा जो ओझागुनी काम करता है, मदन मुंडा, रुसु मुंडा, बाले मुंडा और सामू मुंडा को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में जो हत्या के कांड में प्रयोग किया गया जो खून लगा हुआ है, तो लोहे का धवली बरामद किया गया है और जो हत्या कारित करने के समय जो अभियुक्त द्वारा शर्ट पहना गया कपड़े बरामद किए हैं, खून लगा हुआ कपड़ा बरामद किया गया है और जो भगत के द्वारा जो उजागरणीय प्रयोग किया गया लोहे का त्रिशूल बरामद किया। डीएसपी अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वृद्धा हत्याकांड का खुलासा कर बताया कि एक एसआईटी का गठन किया गया था। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ओझा समेत 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए पांच परगना खबर। नमस्कार।